हेलो एवरीवन, आज अपन अपना बिजनेस कम्युनिकेशन चालू कर रहे हैं। और किससे चालू कर रहे हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन में हम अपन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस से चालू कर रहे हैं। ये हमारा थर्ड से लेके फोर्थ चैप्टर है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। एक बार देख लो, ये अपनी मॉड्यूल है। मॉड्यूल में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस कम्युनिकेशन में 1, 2, 3, 4 चैप्टर है। और फिफ्थ चैप्टर में हमारी टर्मिनोलॉजीज है, लैटिन मैक्सिम्स के जैसे टर्मिनोलॉजीज है। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस अपन चालू कर रहे हैं, ठीक है? तो आओ चालू करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में देखो कोई लिंक नहीं है। तुम सोचो ना कि बिजनेस कम्युनिकेशन में लिंक है, बिजनेस कम्युनिकेशन वाले चैप्टर्स में कोई लिंक नहीं है। तो अगर तुम कोई सा भी चैप्टर चालू करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है? तो देखो मेरी बात, इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है? देखो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले अपन इधर बात करें। देखो इस चैप्टर में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स टू एक्ट ऑफ राइटिंग अ लेटर। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स एक्ट ऑफ राइटिंग एन लेटर, मतलब लेटर कैसे लिखते हैं और कहाँ पर लिखते हैं। राइटिंग एन लेटर कहाँ पर लिखते हैं? किसी बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस के अंदर लेटर कैसे लिखते हैं उसको अपन बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। मतलब हम कैसे लेटर के थ्रू हम अपने बिजनेस के अंदर, बिजनेस बोले तो कंपनी के अंदर कहीं पर भी कम्युनिकेट कैसे करते हैं। एक बॉस अपने और लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है, लेटर से करता है, कैसे करता है वो अपन देखते हैं। देखो बिजनेस कम्युनिकेशन इज नथिंग बट एन एक्ट ऑफ राइटिंग अ लेटर। ये देखो देखो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? एक्ट ऑफ राइटिंग ए लेटर। देखो क्लैरिटी आ रही है ना? हाँ, द एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर इज नोन एज कॉरेस्पॉन्डेंस। एंड कहाँ पर? बिजनेस के अंदर, एक कंपनी के अंदर लोगों के बीच में, वो सारी चीज़ें अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में आएगी। अब देखो इसमें क्या आएगा, इसमें पहला तो बहुत ईजी टॉपिक अपन बचपन में पढ़ के आए, क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर का फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट बोले तो कैसे बिजनेस लेटर लिखते हैं, बिजनेस लेटर का फॉर्मेट। बिजनेस लेटर कुछ नहीं है, जो अपन बचपन से लेटर सीखते आ रहे हैं ना उनका नाम दे दिया उन्होंने बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के अंदर क्या आता है, इसका फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट मैं एक बार बता देता हूँ। देखो सबसे पहले एक कंपनी का लेटर हेड होना चाहिए, इसको बोलेंगे अपन लेटर हेड, जिसमें कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का फोन नंबर, सारी इंफॉर्मेशन होती है। तुमने देखा होगा ना लेटर हेड, जिसमें कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी कंपनी लेटर लिख रही है उसके उसके उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस लेटर हेड में होती है, ठीक है? उसके बाद अपन सबसे पहले लिखते हैं एक रेफरेंस नंबर, XYZ। देखो अभी सब बताऊंगा मैं, ये रेफरेंस नंबर इसको बोलते हैं, मतलब ये कंपनी कभी बाद में अगर अपने डॉक्यूमेंट्स में, कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स में ढूंढना चाहे तो वो ये रेफरेंस नंबर जैसे ही डालेगी उसको ये लेटर मिल जाएगा। तो हर लेटर का रेफरेंस नंबर होता है, जिससे कि बाद में कभी उसको ढूंढना चाहे तो कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, लैप ये नंबर डाल दो तो आपका ये लेटर रिट्रीव हो जाएगा, ठीक है? बिजनेस में हर लेटर को संभाल कर रखना होता है, पता नहीं कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो ये अपना हो गया, इसको लेटर हेड बोलते हैं। लेटर हेड के बाद रेफरेंस नंबर हो गया, फिर डेट डालते हैं, 20 मई मान लो, अच्छा 21 है पता नहीं, 20 मई मान लो डेट डाल दी, ठीक है? उसके बाद ये देखो, ये दोनों तो तुम्हें पता है। उसके बाद एक नई टर्म है, उसको बोलते हैं स्पेशल मार्किंग। क्या बोलते हैं? स्पेशल मार्किंग। स्पेशल मार्किंग बोले तो ये लेटर कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है, कॉन्फिडेंशियल। कोई कोई लेटर होता है ना जो सिर्फ उस बंदे को ही पढ़ने चाहिए जिसके नाम पर है, कॉन्फिडेंशियल, थ्रू पोस्ट ऑफिस आ रहा है, AR आ रहा है, वो सारी चीज़ें को अपन बोलते हैं स्पेशल मार्किंग। और इस स्पेशल मार्किंग को अपन को ऊपर भी, लेटर के ऊपर भी इंडिकेट करना होता है, जो लेटर का अपना एनवलप होता है ना, लेटर का एनवलप होता है उसके ऊपर भी अपन को इंडिकेट करना होता है स्पेशल मार्किंग को। तो देखो दोबारा चलो, क्या पहले टॉपिक क्या है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस में अपन क्या सीखेंगे, लेटर कैसे लिखते हैं। लेटर 2-3 तरीके के होते हैं वो अपन देखते हैं। ये तो हो गया अपना सबसे पहले नॉर्मल लेटर, फिर अपन मैसेज देखेंगे, फिर रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है? तो
चार चीजें अपन को देखनी है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में अपन को यही चीजें देखनी है। अब बिजनेस लेटर कैसे लिखते हैं, बिजनेस लेटर के अंदर लेटर हेड होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, डेट का रेफरेंस नंबर होना चाहिए, फिर डेट होनी चाहिए, फिर स्पेशल मार्किंग होनी चाहिए जो कि एनवलप के ऊपर भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर एड्रेस होना चाहिए, फिर एड्रेस होना चाहिए और यही एड्रेस एनवलप के ऊपर भी होना चाहिए। अरे भाई कभी एनवलप देखा हो तो किसके नाम पर आता है, वो एड्रेस तो ऊपर ही होता है ना, एनवलप का एनवलप पर भी होना चाहिए, एनवलप पर भी होना चाहिए, यही एड्रेस अंदर तो होगा एनवलप के पर भी होगा। फिर अपन लिखते हैं सर, डियर सर, सैल्यूटेशन, क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन हेडिंग लिखते हैं अबाउट दिस, अबाउट CSET कोचिंग, अबाउट दिस, अबाउट CSGO अकेडमी, तो ये सारी इसको अपन बोलते हैं सब्जेक्ट। बचपन में नहीं पढ़ा लेटर, अब ये लेटर हेड नया है, स्पेशल मार्किंग नहीं आई है, बाकी एड्रेस सर, अबाउट CSET आर सब्जेक्ट इन कैपिटल, ये सब चीज़ें तो अपन ने बचपन में पढ़ रखी है, कोई नई बात अपन नहीं पढ़ रहे हैं। फिर आती है इसकी मेन बॉडी, मेन बॉडी बोले तो कंटेंट। सबसे पहला कंटेंट में अपन इंट्रो करते हैं, फिर अपन इंट्रो करते हैं, फिर अपन फैक्ट्स लिखते हैं और उसके बाद अपन कंक्लूजन करते हैं। तीन पार्ट में लिखते हैं अपन इनका, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि यस आई एम गो आई वॉन्ट टू हैव आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट समथिंग लाइक दैट। फिर फैक्ट्स के अंदर अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं और कंक्लूजन अपन लिखते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई अपना, कंक्लूजन में क्या लिखते हैं अपन, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, थैंक्स फॉर रीडिंग दिस लेटर, ये सारी बकवास बातें अपन कंक्लूजन में लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है बॉडी के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज बोले तो थैंक योर, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, योर थैंकफुली, ये लिखते हैं ना अपन, तो वही लेटर का फॉर्मेट बता रहे हैं। और ये लेटर का फॉर्मेट याद करना है विद सीक्वेंस, कि सबसे पहले लेटर हेड होगा, लेटर हेड के बाद सबसे सबसे पहले रेफरेंस नंबर होगा, रेफरेंस नंबर के बाद डेट होगी, डेट के बाद स्पेशल मार्किंग होगी, स्पेशल मार्किंग बोले तो कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है, एयर से आया है, पोस्ट से आया है, किस चीज़ से आया है, और उसी चीज़ को अपन एनवेलप के ऊपर लिखेंगे। फिर एड्रेस आएगा जिसको अपन एड्रेस जिसको अपन लेटर भेज रहे हैं, और वही एड्रेस एनवेलप के ऊपर आएगा। फिर डियर सर आएगा, सैल्यूटेशन आएगी, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा बॉडी, बॉडी में क्या आएगा, इंट्रो, फैक्ट्स और फीडबैक, फिर आएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, और उसके बाद अपन करेंगे सिग्नेचर, सिग्नेटरी विथ डेजिग्नेशन, कि हमारा नाम क्या है और हमारा डेजिग्नेशन क्या है, और उसके बाद फाइनल आएगा एनक्लोजर, एनक्लोजर बोले तो अगर हमने कोई कॉपीज और अटैच करी है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी कि यस दिस बिल हैज बीन अटैच विद दिस लेटर, यस दिस पेमेंट हैव बीन अटैच विद दिस लेटर, ऐसे करके ये हमारा बिजनेस लेटर का फॉर्मेट हो गया, ऐसे करके ये हमारा बिजनेस लेटर का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, कमेंट करो हाँ या ना, ठीक है। अब देखो मेरी बात, इंट्रोडक्शन में वही बकवास है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिजनेस कम्युनिकेशन इज वेरी सिंपल, वेरी मीन्स वेरी 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 सिंपल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात क्या है, असेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर, सबसे पहली बात लेटर हेड होना चाहिए, लेटर हेड अपन ने ले लिया, उसके बाद क्या होना चाहिए, रेफरेंस नंबर होना चाहिए, रेफरेंस नंबर अपन ने ले लिया, फिर डेट होनी चाहिए, फिर स्पेशल मार्किंग होनी चाहिए, स्पेशल मार्किंग बोले तो कोरियर, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, एयर से आ रहा है, कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है, और वही चीज़ एनवेलप के ऊपर भी लिखी होनी चाहिए। फिर एड्रेस लिखा होना चाहिए, कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। अब देखो एक चीज़ मैं भूल गया, एक चीज़ क्या भूल गया, ये जो एड्रेस है ना, एड्रेस इसके बाद एक होता है, एक और नया कॉन्सेप्ट है, अटेंशन लाइन। अटेंशन लाइन बोले तो कभी कभार क्या होता है, किसी कंपनी के कंसर्न्ड पर्सन को लेटर लिखा जाता है, तो अपन कंपनी के कंसर्न्ड पर्सन के घर थोड़ी लेटर लिखेंगे, लेटर तो अपन कंपनी के नाम पर ही लिखेंगे कि आपका ये आदमी है, पर अपन लिखेंगे फॉर मैनेजिंग, फॉर अकाउंटेंट दिस, फॉर क्लर्क दिस, फॉर दिस डिपार्टमेंट हेड, फॉर दिस हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD, मतलब किसी एक कंसर्न्ड पर्सन को अगर अपन को लिखना है तो अपन अटेंशन लाइन डाल के लिख देंगे, या किसी कंपनी के कंसर्न्ड पर्सन के पास लेटर जाना चाहिए कि तू इस डिपार्टमेंट का, तू उस लेटर को संभाल, तो अपन अटेंशन लाइन लिख देंगे, ठीक है। तो देखो मेरी बात, लेटर हेड हो गया था,
रेफरेंस नंबर हो गया, डेट हो गया, स्पेशल मार्किंग मैंने समझा दी, इनसाइड एड्रेस हो गया, अटेंशन लाइन हो गई। अटेंशन लाइन बोले तो फॉर द अटेंशन ऑफ मिसेस मिस्टर क्या लिखा है ये, हरीश अरोड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस, फॉर द अटेंशन ऑफ दिस पर्सन हु इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ दिस लॉ ऑफ दिस कॉमर्स, मतलब किसी को अटेंशन करे हो तो ऐसे लिखते हैं। सैल्यूटेशन अपन ने बता दिया कि सर हो गया, डियर सर हो गया, डियर मैडम हो गई। फिर अपन ने सब्जेक्ट हेडिंग बता दी, सब्जेक्ट हेडिंग कैपिटल में भी हो सकती है और फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे लेटर स्मॉल में भी हो सकती है। मेन बॉडी हो गया, मेन बॉडी हो गया, ठीक है देखते जाओ, बस देखते जाओ, कुछ नहीं है इसमें। मेन बॉडी के बाद लास्ट में अपन क्या लिखते हैं, वी थैंक यू इन एंटिसिपेशन, वी लुक फॉरवर्ड टू योर विजिट, ये मेन बॉडी का थर्ड पार्ट है जिसमें अपन कंक्लूजन लिखते हैं, थैंकिंग यू, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये सारी चीज़ें अपन इसमें लिखती है। फिर अपन लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, योर फेथफुली, योर कनिंगली, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, ठीक है। तो ये अपना हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। और फिर अपन लास्ट में एंक्लोजर्स करते हैं, एंक्लोजर्स सिग्नेचर करते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, आई एम दिस अंबुज चंद्रा ऑफ रीजनल सेल्स मैनेजर, और मेरी डेजिग्नेशन क्या है जो मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ। फिर अपन लिखते हैं एंक्लोजर कॉपीज सर्कुलेटेड, मतलब अगर कोई कॉपीज अटैच है तो वो अपन करते हैं। और फिर एनेक्सर और लास्ट वाला पार्ट एक ही है कि एनेक्सर बोले तो वही होता है कि सारे डॉक्यूमेंट जो इसके साथ अटैच आपने कर रखे हो उसकी लिस्ट दे दो, ठीक है। तो ये अपना हो गया सबसे पहला पार्ट, असेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर, सॉरी ब्लर के लिए, असेंशियल ऑफ गुड बिजनेस लेटर अपन ने फर्स्ट पार्ट कर लिया, ठीक है। अब अपन देखो, अब अपन एक बार मेरे नोट्स से कर लेते हैं। ये नोट्स कहाँ पर आएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर आएंगे। कैसे आएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और मेरे को DM करो और सब्सक्राइब करना मस्ट है, ठीक है। और फिर मेरे साथ शेयर करना, फीडबैक करते हैं अपन, ये मेरे नोट्स से भी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो सुनो, अपन ने नोट से कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले लेटर हेड होना चाहिए, लेटर हेड ये लिखा, ठीक है। रेफरेंस नंबर होना चाहिए, बता दिया। डेट मैंने बता दी, स्पेशल मार्किंग मैं भूल गया था, स्पेशल मार्किंग होनी चाहिए। इनसाइड एड्रेस होना चाहिए, अटेंशन लाइन होनी चाहिए। सैल्यूटेशन में हमारी दो तीन चीज़ें मॉड्यूल में दे रखी है कि अगर तुम्हारा ज़्यादा फॉर्मेलिटी वाला लेटर है ना, कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो सिर्फ सर लिखो, अगर मीडियम नंबर का है तो डियर सर लिखो, और अगर ठीक ठाक, अगर मतलब इनफॉर्मल टाइप है तो तुम डियर मिस्टर मिसेज एक्स ये सब लिख सकते हो, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्मेलिटी में सैल्यूटेशन अपनी तीन दे रखी है मॉड्यूल में, बहुत ज़्यादा फॉर्मल है तो सर लिखो, अगर ठीक ठाक है तो डियर सर मैडम लिखो, इनफॉर्मल टाइप आ गई तो डियर मिस्टर राम मिस्टर श्याम भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सब्जेक्ट हेडिंग की बात करते हैं, सब्जेक्ट हेडिंग क्या होती है, सब्जेक्ट हेडिंग मैंने आपको बता दी, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। मेन बॉडी मैंने बता दी तीन टाइप की होती है, और फिर कंक्लूजन में अपन वी लुक फॉरवर्ड टू योर विजिट, फालतू फालतू जो रिमार्क होते हैं ना वो अपन देते हैं, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री देख, पर देखो इसमें एक चीज, ये जो अपन थैंकिंग यू लिखते हैं ना, ये अपन को यूज नहीं करना चाहिए, मॉड्यूल में मना है, तो इस बात का ध्यान रखना। हो सकता है MCQ इस पर ही आ जाए कि थैंकिंग यू यूज करना चाहिए यूज नहीं करना चाहिए, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर अपन कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज होता है योर फेथफुली, योर कनिंगली, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, योर्स के अंदर अपोस्ट्रोफिक नहीं लगाना, योर्स में अपोस्ट्रोफिक नहीं लगाना, इसमें जो गाइडलाइंस है ना ये ध्यान रखना। पहली बात, थैंकिंग यू शुड बी अवॉइडेड, थैंकिंग यू शुड बी अवॉइडेड, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। योर्स में अपोस्ट्रोफी शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि ये सही नहीं है। अब देखो ये क्या बोलता है कि हमें अपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज हमारे सैल्यूटेशन के हिसाब से ही लिखने चाहिए, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज उसके हिसाब से होनी चाहिए। अगर हमने सर लिखा है तो हमें योर्स ट्रूली लिखना चाहिए, अगर हमने डियर सर लिखा है तो योर्स फेथफुली लिखना चाहिए, और हमने डियर मिस्टर एक्स लिखा है तो हमें योर्स सिंसियरली लिखना चाहिए। इसमें ज़्यादा चीज़ें याद करने की नहीं है, पर जो है उनको प्लीज कर लेना, ठीक है। सैल्यूटेशन हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉर्मेलिटी से होता है, और हमारी मॉड्यूल में लिखा है कि उसके बेसिस पर ही हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज लिखना चाहिए, कि योर ट्रूली कब लिखेंगे, जब हमने सैल्यूटेशन में सर यूज कराओ, योर faithfully कब लिखेंगे, जब अपन ने dear sir use कराओ, और your sincerely कब लिखेंगे, जब अपन ने dear Mr. Shyam Mr. Ram X बोले तो name use कराओ। फिर अपन करेंगे signature कि yes
हु एम आई, आई एम दिस पर्सन, ऑफ विच डिपार्टमेंट, ऑफ विच डेजिग्नेशन, तो ये मेरा डेजिग्नेशन का सिग्नेटरी हो गया। फिर अपना हो गया एनक्लोजर्स, अगर हमने कोई कॉपी एनक्लोज करी तो वो हो गया, और फिर अपना एनेक्सर्स हो गया। एनेक्सर्स और एनक्लोजर एक तरीके से बात एक ही होती है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, स्पेशल सॉरी स्पेशल मार्किंग पीछे छूट गया था, स्पेशल मार्किंग मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल मार्किंग क्या होती है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, दो तरीके के बिजनेस लेटर होते हैं, फॉर्मल बिजनेस लेटर या इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। फॉर्मल बिजनेस लेटर हमारे ऑफिशियल मैटर्स, लीगल मैटर्स, सेल्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो फॉर्मली चीज़ें होती है ना उसमें अपन फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और इनफॉर्मल बिजनेस लेटर वो होते हैं जब कभी कंप्लेंट करनी होती है, इंटरव्यू देना होता है, रेफरेंस देना होता है, थैंक्स देना होता है, इन सारी चीज़ों में अपन इनफॉर्मल लेटर यूज करते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी मैं मॉड्यूल में भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात, एक और चीज देखते हैं फिर अपन मॉड्यूल की तरफ, फिर अपना बिजनेस लेटर कंप्लीट हो जाएगा। देखो टाइप्स देख लिए, लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर, दो तरीके के बिजनेस लेटर होते हैं। एक होता है जो पेज के लेफ्ट साइड अलाइंड हो, मतलब लेफ्ट साइड से लिखे हो, उसको अपन बोलते हैं ब्लॉक्ड फॉर्मेट। और जो बिजनेस लेटर राइट साइड की तरफ लिखे होते हैं, राइट साइड में अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, उसे अपन बोलते हैं मॉडिफाइड ब्लॉक्ड फॉर्मेट। जो बिजनेस लेटर राइट साइड होते हैं उसको अपन बोलते हैं ब्लॉक्ड फॉर्मेट, और जो लेफ्ट साइड होते हैं उसको अपन बोलते हैं सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट या फिर मॉडिफाइड ब्लॉक्ड फॉर्मेट। जो इस साइड होते हैं उसमें कॉमास यूज कहीं पर भी नहीं होता, और जो इस साइड होते हैं उसमें कॉमास यूज हो सकता है। कॉमास कहाँ पर यूज हो सकता है? डियर सर के बाद हो सकता है। एड्रेस 3-4 लाइन के होते हैं कि सेक्टर दिस, दिस प्लेस, दिस सिटी, दिस स्टेट, तो उन सब के बाद कॉमा इस वाले में यूज नहीं हो सकता और इस वाले में यूज हो सकता है। यही चीज मैंने लिखी है, ब्लॉक्ड फॉर्मेट कहां से होता है? राइट लेफ्ट हैंड साइड से होता है, और उसमें कॉमास यूज नहीं होता, नो कॉमा शुड बी यूज। और सेमी ब्लॉक्ड अपना होता है राइट से, और उसमें कॉमास यूज होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब अपन बात करते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है गुड बिजनेस लेटर की? देखो अभी मैं आपको ये दिखा दूंगा सैंपल मॉड्यूल से, एक बार बिजनेस लेटर अपन कंप्लीट कर ले। देखो बिजनेस लेटर कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट बिजनेस लेटर की कोई वैल्यू नहीं होती। बातें पूरी करनी चाहिए बिजनेस लेटर को, क्लैरिटी होनी चाहिए। ए अगर ए बिजनेस लेटर लिख रहा है बी को, तो समझ में आना चाहिए बी को पढ़ने के बाद कि ए ने लिखा क्या है। क्लैरिटी से लिखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिखने वाला खुद ही कंफ्यूज है कुछ भी लिख रहा है। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ज्यादा हार्ड वर्ड यूज कर दोगे, कोई बड़ी बड़ी वोकैबुलरी यूज कर देगी तो वो तुम्हारे लिए डिक्शनरी थोड़ी खोलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। सिंपल होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, कोई मिसलीडिंग लेटर नहीं होना चाहिए। देखो कंप्लीट होने चाहिए, क्लैरिटी वाले होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। ऐसा नहीं झूठ झूठ बोलो कि मैं हमारी कंपनी की सेल तो 1,000 करोड़ की है, बाद में पता लगा कि कंपनी की सेल तो एक करोड़ की भी नहीं है, तो मिसलीडिंग नहीं होने चाहिए। ब्रीफ होने चाहिए, भाई तुम 20 पेज का बिजनेस लेटर लिखोगे, पढ़ेगा कौन? जो वहाँ बैठा है चेयर पे उसके पास टाइम भी तो इतना ही है कि वो कम ही पढ़ सके, तो ब्रीफ होने चाहिए, ब्रीफ शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। सिंसियर, सिंसियरिटी से, कोई अगर तुम किसी बड़ी कंपनी वंपनी को लिख रहे हो तो ढंग से रिस्पेक्टेड सर सारी उसको सिंसियरिटी, उसको इज्जत दे के लेटर लिखना। और कर्सी कभी भी अनप्लीजेंट लैंग्वेज का यूज ना करना, कर्टसी हमेशा होनी चाहिए। अपने क्लाइंट के लिए होनी चाहिए, अपने बॉस के लिए होनी चाहिए, किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए होनी चाहिए, जिसको भी हम किसी कंपनी के अंदर बिजनेस करते हुए लेटर लिख रहे हैं उन सब के खिलाफ कर्टसी हमारी होनी चाहिए। अनप्लीजेंट लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए, और एक प्रॉपर स्टाइल होनी चाहिए बिजनेस लेटर लिखने की, एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर का तो मैं लिखूंगा टाइम्स रोमन फॉर्मेट में और नीचे का मैं लिखूंगा किसी और तीसरे नंबर के फॉर्मेट में, मतलब एक स्टाइल होनी चाहिए, एक प्रॉपर कंपाइल्ड वे में होना चाहिए। तो ये हमारा बिजनेस लेटर हो गया, ये हमारा बिजनेस लेटर हो गया। पहले अपन ने पढ़ा एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर, ये सारे अपने बिजनेस लेटर के हो गए। फिर हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर पढ़ा कि कितने टाइप्स का होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। फिर हमने लेआउट पढ़ा, जो राइट जो लेफ्ट साइड होता है उसको अपन बोलते हैं ब्लॉक्ड फॉर्मेट, और जो राइट साइड होता है उसको अपन बोलते हैं सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट। फिर अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी इन सब की कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब अपन मॉड्यूल देख लेते हैं, ठीक है।
देखो मॉड्यूल पढ़ के देखना, मेरे पढ़ाने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें मॉड्यूल में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। बहुत तो मैंने ज्यादा बोल दिया, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इंपॉर्टेंट हो इस बिजनेस कम्युनिकेशन में। तो ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, फॉर्मल बिजनेस लेटर, ये देखो अपन ने एनेक्सर्स तक कर लिया था, एनक्लोज डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं। फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर फॉर्मल कर लिया, इनफॉर्मल कर लिया, फॉर्मल लीगल वीगल उनमें होता है, इनफॉर्मल थोड़ा अपने कंप्लेंट होती है, ग्रीवनेंस होती है उनके लिए होता है। ठीक है, लेआउट कर लिया, लेआउट होता है ब्लॉक्ड होता है और सेमी ब्लॉक्ड होता है, इनका मतलब देख लेते हैं। पहले अपन देखते हैं ब्लॉक्ड फॉर्मेट, ब्लॉक्ड फॉर्मेट का एग्जांपल दे रखा है। अब तुम बोलोगे इसको याद करना है, अरे भाई तुम्हें लेटर थोड़ी लिखना है, तुम्हें समझाने के लिए दे रखे हैं। सब राइट साइड अलाइंड है, सारे राइट साइड अलाइंड है और कोई भी कॉमा नहीं है, कॉमे का यूज नहीं है, कोई कॉमे का यूज दिख रहा है, कोई कॉमे का यूज अपने एड्रेस लाइन के अंदर नहीं है। ठीक है, एड्रेस लाइन में कॉमे का यूज नहीं है, कॉमाज आर नॉट यूज इन द एड्रेस लाइन। अब अपन ये देखो ये हो गया, फिर अपन बात करते हैं सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट। सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट लेफ्ट साइड अलाइंड होता है और उसमें कॉमो का यूज हो सकता है। अब देखो मेरी बात, इधर इधर देखो, इधर देखो, इसमें क्या लिखा है, कॉमो का यूज, ये कॉमा दिख रहा है, ये रहा कॉमा, ये रहा कॉमा, तो इन सब जगह पर कॉमा का यूज है, ये डेट के बाद कॉमा है और ये राइट साइड अलाइंड नहीं है। देखो हर पैराग्राफ के बाद इधर लाइन छोड़ रखी है, हर पैराग्राफ के बाद इधर स्पेस दिख रही है ना, ये स्पेस छोड़ रखी है, अपन को इतना चलो देख लो, ये स्पेस छोड़ रखी है, तो ये कहाँ पर अलाइंड है, इसको अपन बोलेंगे राइट साइड अलाइंड है। तो दो तरीके के होते हैं, एक तो हो गया हमारा ब्लॉक्ड फॉर्मेट जो कि होता है राइट साइड अलाइंड, सॉरी लेफ्ट साइड अलाइंड होता है, और जो हमारा सेमी ब्लॉक्ड है वो हमारा राइट साइड अलाइंड होता है, वो हमारा राइट साइड अलाइंड होता है। तो अपन ने इतना कर लिया, ये बात हो गई, ये बात हो गई, एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर अपन ने कर लिया, कुछ भी इसमें नहीं है, कंप्लीट होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए और एक प्रॉपर स्टाइल होनी चाहिए, ये इनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक मिनट, तो अपन ने क्या कर लिया, अपन ने सारी चीजें कर लिया। अब ये आया अपना सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है बिजनेस मैसेजेस, अब अपन इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्या लिखा है, बिजनेस मैसेजेस। बिजनेस मैसेजेस क्या होते हैं, अब देखो तुम बोलोगे लेटर और मैसेज में इतना क्या फर्क है, देखो कोई खास फर्क नहीं है, पर ये एक तरीके से टाइप्स है कि हम कैसे इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं, या तो अपन लेटर के थ्रू कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, रिपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं, या एक और फॉर्म है। ठीक है, तो बिजनेस मैसेज के अंदर क्या होता है, एक बार पढ़ते हैं, बिजनेस मैसेजेस इंक्लूड मैसेजेस फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ द कंपनी टू शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज और रिलेटेड टू सेल एंड परचेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंफर्मेशन और कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर्स, कंपनी अनाउंसमेंट, नोटिफिकेशन, एम्प्लॉयज रिलेटेड न्यूज सच एज प्रमोशन, अवार्ड्स। तो ये सारे अपन बिजनेस के फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, अब बोनस, हम किसी को न्यूज़ दे रहे हैं, या तो अपन लेटर लिख के दे दे, या अपन बिजनेस मैसेजेस के थ्रू दे दे। ठीक है, ये भी एक टाइप क्या है, वो ही होता है कि लेटर के टाइप है, कोई इनका डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इन चीज़ों के लिए बिजनेस लेटर है, इन चीज़ों के लिए बिजनेस न्यूज़ है, अपन टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में बिजनेस ये हो गया। अब देखो मेरी बात, एक चीज़ ध्यान रखना, अभी मैं दिखाता हूँ, रुको रुको रुको, हाँ, गुड बिजनेस मैसेज आर असेंशियल टू कैप द बिजनेस रिलेशनशिप इन गुड, देयर आर मेनी टाइप ऑफ बिजनेस मैसेजेस विच वी कैन राइट टू ईच अदर ऑन अ डे टू डे बेसिस। देखो बिजनेस मैसेज में एक चीज है, द सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच, मतलब द, एक मिनट रुको, रिजल्टिंग इन द व्यू पॉइंट, देखो कभी भी सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच बिजनेस मैसेजेस में अपन को नहीं रखनी चाहिए। मतलब सेल्फ सेंट्रिक मतलब जो लेटर लिख रहा है हमें उसके बेसिस, जो हम लिख रहे हैं तो हमें हमारे बेसिस पे नहीं सोचना, हमें उसके बेसिस पे सोचना है, मतलब यू के बेसिस पे सोचना है कि आपको ये बेनिफिट होगा अगर आप हमारे इसमें इन्वेस्ट करोगे, आपको ये बेनिफिट होगा अगर आप हमारे इसमें सेल एंड परचेज करोगे। मेरे को नहीं बोलना, उनको बोलना है, जो लेटर पढ़ेंगे ना, जिनको अपन लेटर लिख रहे हैं तो उनकी अप्रोच होनी चाहिए। तो यही चीज मैंने लिखी है,
लेटर शुड बी रिटर्न फ्रॉम यू पॉइंट ऑफ व्यू इंस्टेंट ऑफ आई और वी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब लेटर्स हमेशा यू पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे होने चाहिए, उनकी तरफ से सोच के लिखे होने चाहिए, ठीक है। द डिजायर्स, प्रॉब्लम, सरकमस्टेंसेस, इमोशन एंड प्रोबेबल रिएक्शन ऑफ रेसिपिएंट आर टू बी टेकन इन कंसिडरेशन। मतलब देखो मेरी बात, अगर अपन जनरल आपस में बात करते हैं तो अपन एक दूसरे के मूड के हिसाब से बात करते हैं। अगर मेरे को किसी को कोई चीज सेल करनी है तो मैं उसके मूड के हिसाब से करता हूँ, उसको क्या चाहिए। पर एक बार अपन लेटर लिख दे फिर अपन उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हमें अपने दिमाग में सोचना पड़ता है कि उसका पॉसिबल रिएक्शन क्या आ सकता है, और उसके बारे में भी अपन को पहले से ही काउंटर करना होता है जब अपन मैसेज लेटर लिखते हैं तो, ठीक है। एक तो देखो क्वेश्चन इसमें यही आ सकता है कि कौन सा एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए, यू एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए, और इसमें कोई खास क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अभी अपन इसके पीछे के क्वेश्चन करेंगे, तुम्हें समझ में आएगा कितना इजी है। अगर मेरी बातें सुन लोगे, नोट्स पढ़ लोगे एक बार, तो बिजनेस कम्युनिकेशन तो बहुत ज्यादा ईजी है, बहुत ज्यादा। लोग इसको पांच पांच छः छः दस दस लेक्चर तक लेके जाते हैं, मैं चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, पर मेरे को शॉर्ट एंड स्वीट में मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो मेरी बात, यू एटीट्यूड का एग्जाम्पल क्या है, यू विल श्योरली अप्रिसिएट आर न्यू डिस्काउंट पॉलिसी, ठीक है। यू एटीट्यूड होना चाहिए, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। यू एटीट्यूड देखो, आई और वी एटीट्यूड तो होता है आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट ऑन क्रेडिट कार्ड, तो अपन को इन चीज़ों को अवॉइड करना है, और अपन को यू एटीट्यूड लिखना है, यू कैन गेट 10%। तो यू एटीट्यूड काफ़ी इफेक्ट करता है एज कंपेरेटिव टू आई एटीट्यूड, ऐसा ये कहता है। तो देखो समराइज करके क्या बोला, हमें समरी ध्यान रखनी है। मेरी तो इंग्लिश लिखी हुई है, ये थोड़ी आती है एग्जाम में, ठीक है। तो टू समराइज, इट कैन बी सेड दैट यू एटीट्यूड इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो एन असेंशियल फॉर इफेक्टिव लेटर राइटिंग एंड बिजनेस मैसेज। अब ये यू एटीट्यूड इसने कहा कि दोनों के लिए असेंशियल है। भाई कोई भी लेटर लिख रहे हो, कोई भी मैसेज लिख रहे हो, उसके लिए हमें सामने वाले के बारे में सोच कर ही लिखना चाहिए कि सामने वाला कैसे रिएक्ट कर सकता है हमारे मैसेजेस के बारे में, ठीक है। अब एक बात हो गई, अपन ने टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर करा था जिसमें अपन ने फॉर्मल इनफॉर्मल करा था, अब टाइप्स ऑफ मैसेजेस कर लो। देखो पॉजिटिव मैसेज, नेगेटिव मैसेज, परसुएसिव मैसेज, ठीक है। अब देखो ज़्यादा डिटेल में, डिटेल है ही नहीं यार इसमें, तुम पढ़ोगे ना तुम्हें लगेगा यार ये सब काटने वाली चीज़ें है, हेडिंग ध्यान रखनी है, और चैप्टर हो गया हमारा ई कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो बिजनेस पॉजिटिव मैसेज के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव मैसेज वो होते हैं जो कि पॉजिटिव न्यूज़ देने के लिए होता है, कोई पॉजिटिव कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए होता है, कोई कंफर्मेशन देने के लिए होती है, कोई क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल देने के लिए होता है, तो ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं। नेगेटिव मैसेजेस क्या होते हैं, नेगेटिव मैसेजेस वो होते हैं कि कोई रिक्वेस्ट का कैंसिलेशन हो गया, कोई रिफंड आपने मांगा और रिफ्यूज हो गया, कोई इन कोई हमारी मतलब यार अब देख लो नेगेटिव मैसेज किसको बोलते हो तुम, तो ये तुम्हें डिफरेंशिएट इसमें तो कुछ है ही नहीं मतलब, ठीक है। तो अपन एक बार इसमें देखते हैं कि पॉजिटिव मैसेज होते हैं रूटीन, गुड न्यूज़। नेगेटिव मैसेज क्या होते हैं, बैड न्यूज़। टू कन्वे द बैड न्यूज इन अ मैनर दैट प्रिजर्व द बिजनेस रिलेशनशिप इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कोई किसी को बैड न्यूज़ कन्वे करनी है तो ऐसे कन्वे नहीं करनी आपका ये हो गया आपको ये हो जाएगा, उसको डराना नहीं है, उसको न्यूज़ कन्वे करनी है, और अपने रिलेशनशिप को भी मेंटेन करके रखना है। एक बिजनेस में रिलेशनशिप ही सब कुछ होते हैं, तो अपन को नेगेटिव न्यूज़ तो देनी है पर रिलेशनशिप को भी मेंटेन करके रखना है। और परसुएसिव होते हैं कि जब अपन ऑडियंस को परसुएट करना चाहते हैं तो उसमें प्लीज यूज करते हैं, ऑडियंस इज एक्सपेक्टेड टू नीड इनकरेजमेंट इन ऑर्डर टू एक्ट एज द सेंडर डिजायर। मतलब परसुएसिव मैसेज वो होता है कि मैं कोई चीज सेल करना चाहता हूँ, डियर मैम वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड आर न्यू प्रोडक्ट, प्लीज ट्राई इट फॉर वंस, इफ यू डोंट लाइक देन यू कैन रिटर्न इट, प्लीज मैम ऑर्डर दिस, प्लीज मैम कॉल ऑन दिस। हम चाहते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट ले, हम ऑडियंस को इनकरेज कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट ले ले, कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा एक्ट कर, आस्किंग फॉर रिक्वेस्टिंग एडिशनल पेमेंट टू सुपरवाइज फॉर वर्क। मतलब यार परसुएसिव तीन है, दिमाग नहीं लगाने, पॉजिटिव कोई अच्छी न्यूज़ देना, नेगेटिव कोई बुरी न्यूज़ देना, परसुएसिव किसी चीज़ के बारे में परसुएट करना, तो वो हो गया हमारा परसुएसिव मैसेजेस, ठीक है। सबसे पहला कहता है बिजनेस लेटर, दूसरा कहता बिजनेस मैसेजेस, तीसरा क्या है बिजनेस रिपोर्ट्स, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा बिजनेस
ये देखो पर्सुएसिव मैसेज खत्म हो गया और फिर क्या आ गया, बिजनेस रिपोर्ट। यही है बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं तभी तो बोल रहा था बिजनेस कम्युनिकेशन मैं बहुत जल्द चालू करा के खत्म भी करा दूंगा, कुछ है ही नहीं। तुम सोचोगे मैंने पढ़ाया ही नहीं, और जब मैंने लीगल एप्टीट्यूड हो रहा है इतना डिटेल में पढ़ाया है, जिनमें पढ़ाने की चीज़ है, इसमें कोई पढ़ाने की चीज़ ही नहीं है। थ्योरी नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट आएगा। कॉन्सेप्ट बोले तो हेडिंग आएगी क्या होती है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, रिपोर्ट्स कहाँ से डिराइव्ड है, अभी तक कोई डेरिवेशन वाला नहीं आया इस चैप्टर में, इसको ध्यान रखना। बहुत सारी चीज़ें कहाँ से डिराइव होती है, लैटिन से। तो इसका नाम इस कहाँ से डिराइव है, रेपोर्टरे। रेपोर्टरे मतलब री का मतलब बैक, और पोर्टरे मतलब कैरी। कोई पुराना इवेंट हो गया, कोई पुराना इवेंट हो गया, उसको अपन राइट कर रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं रिपोर्ट। द रिपोर्ट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड रेपोर्टर विच मीन्स टू कैरी बैक। अ रिपोर्ट देयर फोर इज एन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट कैरिड बैक टू सम हु वॉज नॉट प्रेजेंट। ए है और बी है। ए ने कोई इवेंट देखा है, वो ए प्रेजेंट था, तो ए क्या करेगा, बी को रिपोर्ट लिखेगा। रिपोर्ट में, रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ, किसी इवेंट के बारे में लिखेगा। क्यों लिखेगा, क्योंकि बी वहां पर प्रेजेंट नहीं था और ए वहां पर प्रेजेंट था। तो ये होता है हमारे बिजनेस रिपोर्ट का मतलब, ठीक है। अब देखो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, क्या लिखा है मैंने, रिपोर्ट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड रिपोर्टर मीनिंग कैरिंग बैग, दैट इज टू री प्लस पोर्टर इज कैरी बैग। दस इट इज एन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट कैरिड बैक टू समवन हु वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द सीन, ठीक है। टू कम्युनिकेट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्विकली क्लियरली एंड एफिशिएंटली एंड शुड बी रिटन इन एन ईजी फॉर्मेट। ये तो ये इंग्लिश है, इसको छोड़ो, ये कोई मतलब यार इतनी, ये ऐसी चीज़ें आती क्या, ऐसी चीज़ें नहीं आती, ठीक है। अब देखो इसकी इसकी कैटेगरीज होती है, मतलब कंप्लाइंस रिपोर्ट होती है, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट होती है, सस्टेनेबल रिपोर्ट होती है, ऐसी करके नो रिपोर्ट्स होती है। रिपोर्ट का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया, रिपोर्ट का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। ये रिपोर्ट के बारे में ही दे रखा है, कुछ भी इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखो रिपोर्ट की कैटेगरीज दे रखी हैं, कैटेगरीज दे रखी है, पर इनको एक्सप्लेन ही नहीं कर रखा आगे, तो मतलब ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार पढ़ लो कि कैसी कैसी रिपोर्ट होती है। कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट होती है, किसी चीज़ को आपको कॉम्प्लाई करना है तो उसकी रिपोर्ट होती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस में रिपोर्ट्स होती है, सस्टेनेबल रिपोर्ट होती है, कोई रिकमेंड करना है उसको रिपोर्ट होती है, कुछ आपने गड़बड़ी करी उस पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, रिसर्च रिपोर्ट होती है, किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिचुएशनल रिपोर्ट होती है, और पीरियोडिक रिपोर्ट होती है जो हर 2-3 महीने में रिलीज होती है। तो ये सारी चीजें अपनी हो गई, ठीक है, कैटेगरीज अपन ने कर ली। अब देखो जैसे बिजनेस लेटर के अंदर अपना था कि कैसे उसको इफेक्टिव बनाएं सिंप्लिसिटी, और इससे वैसे ही बिजनेस रिपोर्ट को इफेक्टिव बनाने के चार एलिमेंट है। चार एलिमेंट क्या है देखो, पहली बात एग्जीक्यूटिव समरी, दूसरी बात बॉडी, तीसरी बात की फाइंडिंग, और चौथा क्या है कंक्लूजन। इसके बारे में भी अपन पढ़ते हैं, 1, 2, 3। जैसे बिजनेस लेटर में बहुत सारी चीजें होती है ना, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड होने चाहिए, ब्रीफिटी होनी चाहिए, ठीक है, अनप्लीजेंट होना चाहिए सारी चीजें, वैसे ही इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट बनाने के चार तरीके हैं, वो अपन अभी देखते हैं, ठीक है। देखो बिजनेस रिपोर्ट के अंदर चार एसेंशियल होता है। पहला हुआ एग्जीक्यूटिव समरी, कि उसको पहले पर्पस बताओ कि क्या वो बोलना चाह रहा है, क्या मतलब स्टार्टिंग में होता है ना एक समरी की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में उसको बताओ। दूसरा तुम्हारा कंटेंट लिखो प्रॉपरली, उसको एवेल्युएट करो कि क्या हुआ था, क्या चीज़ें किस बारे में तुम बोल रहे हो, टेबल से, डायग्राम से, सारी चीज़ों से उसको एवेल्युएट करो। तीसरा हो गया कि तुम्हारी रिकमेंडेशन क्या है, की फाइंडिंग्स बताओ, और चौथा हो गया कंक्लूजन। इन चारों के वर्ड ध्यान रखना, पहला होता है समरी, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है तुम्हारी रिकमेंडेशन, और चौथा होता है समअप कर दो, कंक्लूजन कर दो। यही बिजनेस रिपोर्ट को इफेक्टिव बनाने के तरीके हैं। और कुछ लिखा है कि इसमें टू राइट एन इफेक्टिव इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। अब देखो अच्छी बिजनेस रिपोर्ट लिखने के लिए पहले तुम्हें ये चीज़ फाइंड करनी चाहिए कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, फॉर्मेट क्या है उसका, ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है मेरी, कलेक्शन करो डेटा का, फैक्ट्स का कलेक्शन करो, ठीक है, सॉरी, एनालाइज एंड फैक्ट फाइंडिंग प्रोसीजर, कुछ भी बेकार है, कुछ भी नहीं है काम का। मेन है कि चार एलिमेंट होते हैं, इन चार एलिमेंट को याद होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 होते हैं। अब यार ये तो ठीक है, हमें पता तो होना चाहिए किसके बारे में अपन बिजनेस रिपोर्ट रख रहे हैं, हमें उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, हमें फैक्ट्स पता होना चाहिए, तभी तो हम बिजनेस रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि बॉडी में क्या आता है, की फाइंडिंग्स में क्या आता है, तो अपना ये बिजनेस रिपोर्ट भी हो गया, अपना बिजनेस रिपोर्ट भी हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें देखो
बिजनेस रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट की हो गया, कैटेगरीज हो गई, चार एलिमेंट्स होते, ये हो गया। और इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद दे रखा है टू राइट एन इफेक्टिव बिजनेस लेटर वी मस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट। ये इतने याद नहीं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के, मेन जो इसके पहले के चार है उनको याद रखना कि भाई चार क्या होते हैं इफेक्टिव वेस्ट। ठीक है, अब देखो मेरी बात, अब अपन, अब सुनो मेरी बात, अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद दो टॉपिक बच रहे हैं अपने, कौन कौन से दो टॉपिक बचे, एक तो इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन बच रहा है। इसके इसके नोट्स प्रिपेयर्ड है, सब कुछ रेडी है। ये देखो इसमें क्या है, इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के अंदर हमें तरीके बताए कम्युनिकेट करने की, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद MIS का कॉन्सेप्ट बच रहा है। MIS बोले तो एक मिनट रुको, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका कॉन्सेप्ट बच रहा है। फिर अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट, तो अपन इसको कल कल सुबह ही वीडियो आ जाएगी, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी नए बच्चे आए वो एक बार मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं उनको ग्रुप भेज दूंगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।